मैथ के क्वेश्चन कैसे आए थे? नॉर्मल है सब रे। जीएस नॉर्मली। जीएस का कोई क्वेश्चन याद? याद तो ना है फिलहाल, आंसर की आ जाइए देख लेंगे। हिंदी कैसी थी? हिंदी भी सरल ही। रीजनिंग? रीजनिंग भी सरल ही। कितने क्वेश्चन रिटर्न किए आप? आउट ऑफ आउट। ओके धन्यवाद। आप बताएंगे पेपर कैसा होगा आपका? पेपर जबरदस्त, शानदार, दमदार, जानदार। काश नंबर आ जाएगा। नंबर आ जाएगा। आ जाएगा। कितने क्वेश्चन रिटर्न किए? 70। कोई ऐसा लगा जैसे टाइम टेकिंग ले रहा हो? टाइम टेकिंग ऐसा कुछ नहीं था, मैथ बहुत सरल आ रहा है। आसान क्वेश्चन, कोई टाइम टेकिंग नहीं आ रहा। ये देंगे अगले पेपर तो, ये देंगे हाल देख रहा हूं मैं। सिलेक्शन बता रहा हूं मैं। सिलेक्शन बता बता बता। एक तो है और अस्मिते साइंस मां है, जीके में रौद्र रस्तों के अबू है। और वो पूछ लिया था, वो क्या कहते हैं, पंचवर्षीय योजना पूछ ली थी। दो पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन, एक जनगणना थी, स्थापना कब हुई थी, और आठवीं पंचवर्षीय योजना में वो पूछा। स्थापना का पूछिए। और हिंदी में? हिंदी बहुत सरल है। नहीं नहीं, डब्ल्यूटीओ में भारत सदस्य कब बना था? 1998 में बताया। आठवीं पंचवर्षीय योजना। सर जी कह रहे हैं, बताओ आपका बताया पेपर कैसा हुआ? बहुत ही अच्छा हुआ सर जी। क्वेश्चन कैसे आए? सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं सर जी। टाइमिंग की थोड़ी शॉर्टेज है। टाइमिंग शॉर्ट है बस, बाकी सौ का मर रहा था। कोई टाइमिंग शॉर्ट नहीं, पेपर अगर तुम कायदा से करो 45 घंटे पेपर खत्म है। देखो सर मैं बताऊँ, पेपर का सही लेवल ये है, आसान क्वेश्चन का थोड़ा टाइम टेकिंग बनाया जा रहा है। जो स्टूडेंट अपने दिमाग को थोड़ा सा अच्छा इस्तेमाल करेगा, टाइम मैनेज कर लेगा, बस कर लेगा। क्वेश्चन तो ऐसे दिए भी जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ पर क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं बढ़िया से, आसान क्वेश्चन है, लेकिन उनको टाइम टेकिंग बना दिया गया है बस। करंट अफेयर आ रही है, लगभग 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर है। पड़काओ कर लो, 23 की करंट आ रही है। दोबारा 4 का मल्टीपल था मैथ में, 4 का, 4 की विभाज्यता का नियम आसान आ रहा है मैथ में। एक आध क्वेश्चन को छोड़कर बाकी नॉर्मल ही है। और एक हीरे का था, क्वेश्चन ऐसा है जो फंसा रहा है, मतलब करने लायक है। और मैथ में एक आधी क्वेश्चन ऐसा है, अटेम्प्ट ज़्यादातर लो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, तो फ़ायदा ही होगा अटेम्प्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने तो 80 अटेम्प्ट करे, एक आध दो फंसे थे उसमें। जो GS थी उसमें लगभग 12-13 तो बिल्कुल करेक्ट है, जो 6-7 है उसमें मैंने 50-50 पे देखा है क्या है। हिंदी? हिंदी तो पूरी करने लायक है, बिल्कुल इजी आ रही है बिल्कुल। अगर पैराग्राफ को ना भी पढ़ो ना उसमें, तो जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे दुर्गा पूजा से पूछा गया था, तो पूछा जा रहा है कि कहाँ मनाया जाता है, ये सबको पता कोलकाता मना। उसे नहीं भी पढ़ना है तो भी तुम आंसर दे सकते हो उसका। रीजनिंग क्वेश्चन? रीजनिंग बिल्कुल इजी है, नॉन वर्बल थोड़ा सा देख लेना, नॉन वर्बल में एक आध क्वेश्चन फंसाने वाले हैं बस, बाकी सीरीज हुई। करंट भी 2011 से पूछी जा रही है, करंट जो पूछी जा रही है वो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछी जा रही है। और हिंदी में जो भी दुर्गा पूजा से क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे ऐसे थे कि बिना पैराग्राफ पढ़े उन्हें लगाया जा सकता है आसानी से। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? मैंने 80 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और मुझे लगता है मेरे 70 क्वेश्चन करेक्ट हैं। आप बताएं। बस ठीक है साहब, पेपर है जाओ पास, इतना धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।